नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की हम महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम लेकर आते हैं। बार बार आप लोगों से हम यह चीज कहते हैं, अंग सप्रण शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, जन्म कुंडली के विश्लेषण से संबंधित एपिसोड हो, उपाय हो, किसी भी प्रकार के हर चीज आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत करते हैं जो कि लाभदायी हो और फलदायी हो। जानकारी पे आप अमल करें तो उसका फल किसी न किसी रूप में आप अवश्य ही देखें। आज आप लोगों के लिए अंग सप्रण शास्त्र से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। इस जानकारी से संबंधित पूर्व में भी हम कई एपिसोड आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं और काफी लाभ भी आप लोगों ने उस जानकारी का उठाया है। जानकारी है रात्रि की नींद के खुलने से संबंधित, यह भी अंग सप्रण शास्त्र का ही एक विषय है। तो आज हम बात करेंगे कि उस समय की, जिस समय पर यदि नींद खुलती है उसके बाद यदि हम सोते हैं तो फिर हमारा भाग्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुरझाने लगता है। जैसे कोई वृक्ष पानी के अभाव में धीरे 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 सूखने लगता है और कोई वृक्ष सूखा हुआ धीरे धीरे पानी मिलकर फल देने लगता है। तो वही चीज है कि इस समय पे यदि नींद खुल जाए तो थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, क्योंकि देखिए जवानी एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर व्यक्ति आराम ही चाहता है कैसा भी हो। शास्त्र का कथन ही है, आप देखते हैं, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये वाकई हकीकत है, बचपन खेल में खोया। तो ये चीज यदि कोई व्यक्ति समझ जाता है और यहां पर कोई इस स्थिति में आलस्य को त्याग देता है तो उसका जीवन अंधेरे से भी रोशनी की ओर, उजाले की ओर चल पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे उस समय की, जिस समय पे यदि नींद खुल जाए, और वैसे तो उस समय पे अवश्य ही उठ जाना चाहिए, किंतु यदि नींद खुल जाए तो फिर भूल कर भी कभी सोना नहीं चाहिए, बिस्तर को त्याग देना चाहिए, कोई ना कोई प्रातः कर्म अवश्य ही कर लेने चाहिए। समय है 4 बजे के पश्चात, यानी कि 3:30 बजे के बाद का भी समय मान लीजिए। यदि इत्तपाकन इस अवधि में नींद खुल रही हो तो यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। कहीं ना कहीं आप किसी मुसीबत, समस्या या किसी रोग आदि से घिरे हुए हैं, तो यहां पर को यदि आप नींद खुल रही है तो उठकर नहा धोकर भगवत भजन कर मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जिसका परिणाम अति शीघ्र ही देखने में आता है। और आप देखेंगे कि नियमित कभी दूसरे दिन, कभी एक दिन छोड़कर नींद खुलने लगती है। और यदि कोई भीषण, कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है तो उस अवस्था में भी उस व्यक्ति की नींद इस समय पे खुलने लगती है। तो यह एक संकेत होता है, यदि व्यक्ति का वेल समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है और नींद खुल रही, तो ये नहीं कि भाई हमें सो जाना है, कोई नहीं। हाँ, एक परिस्थिति, भाई कोई व्यक्ति रात्रि जॉब आदि वाले होते हैं, कार्य करने वाले, वो देर रात्रि में सो रहे हैं मजबूरन, तो उनकी परिस्थितियां तो अलग है। किंतु जो नियमित सही समय पे सो रहा है तो प्रातः काल यदि समय वेल है जो हम बात कर रहे हैं, फिर भी हम भाई सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। यह हम नहीं, ये शास्त्र कथन है, अंग सप्रण शास्त्र का ही नहीं, हर शास्त्र में कथन है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यदि नींद खुल जाए तो बिस्तर किसी भी हालत में त्याग देना चाहिए। साफ सफाई कर, स्वच्छता पूर्वक स्नान आदि सब कुछ निवृत्त होकर भगवत भजन अवश्य ही करने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ चमत्कारिक परिणाम उसके देखने में आते हैं। तो अंग सप्रण शास्त्र की छोटी सी जानकारी थी, तो हमने काफी अच्छी तरीके से आप लोग तक पहुंचाने का इसको प्रयास किया। और यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आपसे शेयर कर सकते हैं। किंतु हम सबसे पहले स्वयं आपसे आग्रह करेंगे कि आप स्वयं पे इसे लागू करें। यदि कभी इत्तपाकन ऐसा होता है तो अवश्य ही इसके शुभ परिणाम अति शीघ्र ही देखने में आएंगे। तो नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।